फिर डाला दूध, अब डालेंगे क्यूब्स। 1, 2, 3, 4, 5 फूटे। अब करो ढक्कन बंद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग? ठीक ठाक, मस्त, मजे में। अभी उठा हूँ मैं और किचन में आया। हमारी बेगम कह रही थी कि मैं नाश्ता बना दूँ। मैंने बोला नहीं, हम पियेंगे बनाना शेक, खुद बना लिया, ये हमारा नाश्ता है। ठीक है, निकलते हैं। चलो जी, हम हो गए पूरी तरह से तैयार काम के लिए। 11 बज गए, टाइम ज़्यादा हो गया, चलते हैं काम पे। हाँ तो भाई लोग, काम पे आ गए हैं, माल सेट हो गया है। आज मैंने पर्दा लगाया नहीं है क्योंकि आज धूप नहीं निकली, थोड़ा थोड़ा तड़का निकल रहा है, तो मौसम अच्छा है, बादल छाए हुए माशाल्लाह। हाँ तो मुझे आपको एक बात बतानी थी कि आज मैंने बनाया बनाना शेक, नहीं सही है ना? तो लोग हेल में चाहता होगा यार, इसकी वाइफ को नाश्ता बना क्यों देती नहीं होगी क्या? तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मेरी जो वाइफ है वो रोज़ाना मुझे नाश्ता बना के देती है। ठीक है, आज मैंने बोला कि आज मैं खुद में बनाऊँगा, बनाना शेक खाली बनाना है, बना पी के मैं चले जाऊँगा, काम पे चले जाऊँगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी वाइफ मुझे नाश्ता बना के देती है। ठीक है, ये मुझे आपको बताना था। हालांकि आज भी मुझसे पूछा गया आप रहें तो मैं बना देती हूँ। मैंने बोला नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप करके दूसरे काम कर लो, मैं बना के निकलता हूँ काम पे। आज 15 तारीख है, हफ्ते का दिन, 2023 जुलाई का महीना। ठीक है, तो आज जो है मुर्गी का रेट सामने लिखा हुआ है, जो खुला है आपको मैं बता देता हूँ, आप भी देख लीजिए साथ साथ। ये देखें, ये मैंने किया जूम, ऊपर रेट लिखा हुआ है गोश्त 570 रान बाजू वाला। ठीक है, रान बाजू का है 570, बीच में गाड़ी आ रही है, और ये 620 रुपये सेल लगाई है गोश्त की। ये प्योर गोश्त मिलेगा 620 रुपये, तू तो साइड में हो जा भाई। अच्छा, ये 570 रुपये का है रान बाजू वाला, और 620 रुपये गोश्त मिलेगा मुर्गी का। ये PIB कॉलोनी मेन मीनाबाजार चौक पे ये रेट है यहाँ पे मुर्गी के। ठीक है भाई, फिर से सो गए चाचा, दिखाता हूँ। सोए हुए हैं, पता ही नहीं है। देखो मजाक अपनी जगह पे, लेकिन मैंने उठाया इसलिए नहीं कि बुजुर्ग की जो है वो नींद ख़राब नहीं करनी चाहिए, इसलिए मैंने उठाया नहीं वहाँ पे मैंने उसको। तो बस वो आ गए, कैमरे में आ गए, देख लीजिएगा। अभी अभी उठ गए, घर आ गया, उठ गए। एक ज़रूरी बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि किसी को भी कराची शहर में किसी को भी अरकुन्निसा का, हाँ अरकुन्निसा हो, कोई दूसरी बीमारी भी अगर उसके है तो वो जगह जो है ना इकबाल भाई आपको बताएंगे, हमारे डायद इकबाल भाई, क्योंकि उसे भी था तो माशाल्लाह वहाँ से सेहतयाब होकर आए। माशाल्लाह ये तो अरकुन्निसा का था, तो उसको माशाल्लाह वो सेहतयाब हो गए, और वो कुछ देना पड़ता है फीस भाई, इनको फीस अभी लीला भी है। ठीक है, वो आपको पता बताते हैं कि इस जगह पर जाएं और इंशाल्लाह आपका जो है काम वो आपका हो जाएगा। तो मैं इकबाल भाई की तरफ कैमरा करता हूँ, आपको पता बताएंगे। रेल की पटली है ना फटक, उसके बराबर आगे जाके आखिरी मकान है, उल्टा तो आखिरी मकान है। घर पे 10 बजे थी तो 11 बजे तक बैठ रहे घंटा, वो हर बीमारी का हर चीज़ का इलाज करता हूँ। सही हो गया, सही हो गया हमको, नस जब गई वो कोई दूसरी बीमारी, वो
हर चीज बच्चे हो बड़ो औरतों मर्दों सबको दम कर रहे हैं। एक घंटा बैठा हूँ फी सभी का काम होता है माशाल्लाह। ठीक है सरकार, आपको पता अगर मालूम हो गया है तो इस जगह पे जाएं, आपका भी काम हो जाएगा इंशाल्लाह के अल्लाह के हुक्म से। शुक्रिया। ए हवा में उड़ता जावे मेरा यू फटिया मज मज क्या वो जी या जी, मौसम बड़ा वीआईपी हो रहा है, जिसको सी व्यू का मज़ा लेना है मीना बाजार मेन चौक में आगे बैठिया है, मज़ा आ रहा है। ये मैंने आपको जैसा कि बताया था ना कि ट्राली में आते बच्चे और कचरा लेके जाते हैं गायों के लिए, ये सिंधी पाड़े से आते हैं, ये सामने ये कचरा भर रहा है, देखो नजर आया, ये जमीन भी कटूँ ना इसको, ये सिंधी पाड़े से आते हैं, ये कचरा लेके जाते हैं गायों को खिलाते हैं, और जब ईद का टाइम आता है बकरे का टाइम आता है फिर ये भी इसको बेचते हैं, ये इनका आसरा है भाई, साल भर का समझे एक बीसी इन लोगों की मुफ्त में कचरा लेके आते हैं, मेहनत करते हैं लोग कचरे में घुसते हैं और ये चारा लेके जाते हैं। भाई लोग मैं भी यहाँ पे शाम को आने से पहले जिम गया था, तो जिम की वीडियोस मैं भी डालता नहीं हूँ, तो मैंने आपसे पूछा था कि अगर आपको अच्छा लगता हो तो जिम की वीडियो मैं अंदर डालूँ, तो आपके यहाँ से कोई जवाब नहीं आया, मैं फिर से पूछ रहा हूँ, कमेंट्स में आप मुझे बता दो अगर आपको अच्छा लगता है तो मैं जिम्स की वीडियोज़ के अंदर मैं डाल दूँ, ठीक है, तो आप मुझे बता देना। हाँ भाई क्या कह रहे हो आप सेब के बारे में, हमने क्या किया सेब के साथ, हमने उसको नहीं नहीं आपने आपने बोला पॉलिश किया धोया क्या कुछ बोल रहे थे आप, इसको भाई यानी सुबह को हम आए सुबह सवेरे और रुमाल लेके हमने एक एक दाने को हमने चमकाया है, हमारा चाचा क्या बोल रहे थे चमकाया है, अच्छी बात है माशाल्लाह। हाँ तुम्हारा चाचा क्या बोल रहे थे, चाचा ये कह रहे थे कि वो 25,000। आज अभी मगरिब की नमाज के बाद इमाम साहब ने ऐलान किया कि वाली कराची शहनशाह कराची जिसे कहते हैं अब्दुल्ला शाह गाजी साहब, अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनके उर्स के हवाले से छोटी सी महफिल रखी मस्जिद में, तो महफिल के बाद लंगर का तमाम भी होगा, ये आज ऐलान हुआ है मगरिब की नमाज। ये इधर ईशा के बाद महफिल है छोटी, तो क्या क्या लेके, क्या क्या लेके आने साथ में, एक प्लेट एक चम्मच और दो दूध की थैली एक शॉपिंग बैग, भाई ये साथ लगी आनी भाई, नहीं आप नहीं मेरा नहीं लेना 100 रुपये। जी भाई ये हमारे नोमान भाई की चिप्स की शॉप है पीआईबी फ्लेवर फ्राइज, जहाँ मैं काम करता हूँ ये मेरा काम है इधर, ये इसी बैक साइड पे यूसुफ भाई के भाई हैं वो रहे नोमान भाई, ठीक है, ये आलू जो इस्तेमाल करते हैं वो ये वाला इस्तेमाल करते हैं, ये लाल वाला आलू है, लाल वाला आलू है, ये लाल है ना, हाँ लाल है, लाल है भाई लाल है, इस साइज़ का आलू है लंबा वाला, लाल वाला ये इस्तेमाल करते हैं, ये सिची बना के देते हैं साफ, उसका आलू सबसे बड़ा कट्टा है माशाल्लाह, ये समझो कि ये एक दिन में खाली हो जाता है, कट्टा अच्छी बिकती चिप्स की पूरा कट्टा है आलू का, ये दुकान बराबर में तंदूर है, ये भी आ गया हसरा है भाईजान, ये महंगाई तो उरूज पे जा रही है, ये सामने बोतलें जो पड़ी हुई है ये कौन सी है, ड्यू की है पेप्सी की है, अभी कुछ टाइम पहले 35 रुपये की थी, 40 की हुई, 45 की हुई, 50 की कर दी है, और ये अंडे जो है अंडे देख लें अंडे का रेट क्या है, 240 रुपये ये अंडे, अंडे खाओ संडे को अंडे मारो अंडे 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 वाले 240 का रेट लिखा हुआ है, ये देखे भाई अंडे दे रहा है थैली निकाले क्या कर रहा है ये, अच्छा पैसे गिन रहा है भाई, ये अंडे इसके हैं, ये खड़े खड़े अंडे देता भाई, ये खड़े खड़े दे देता भाई अंडे फ़ौरन, एक दर्जन बोलो दो दर्जन बोलो दर्जन के हिसाब से खड़े खड़े दे देता ये शख्स, देख लो पहचान लो इसको जान लो, मीना बाजार चौक पर ये होता है, खड़े खड़े देता है ये, अल्लाह
लो भाई, मैं जैसे ही घर आया तो पता चला कि हमारे मुन्नी साहिबा की जो है तबीयत ख़राब है, उसको हो गए थे लूज मोशन, तो उसको हम ले गए दवा खाने, हॉस्पिटल ले गए। कहाँ कर ली हो छपल? उसको हॉस्पिटल ले गए, यहाँ से दवाई ली, दवाई भी आ गई है इसकी, सही है, दवाई पी भी ली इसने, अभी बड़ी उछल ली गई है, दवाई खा के एक्टिव हो गई है पूरी अभी। अच्छा, अब दवाई लेने के तो आप जाहिर सी बात लेट हो गए, लेट हो गए। इसके बाद हमारे घर में बना था शामी कबाब बना था, तो हम शामी कबाब दोनों मिलके बैठ के खाएंगे। चलिए, चटनी भी आ गई है। अच्छा, तो हम ऊपर आ गए हैं आराम करने के लिए। हमारी मुन्नी को आज जुलाब हो गए थे, तो हम गए दवाई लेने खतरी दवाखाना, डॉक्टर असलम होते हैं वहाँ पे। देखो अभी कैसे एक्टिव हो गए, देखो उछल रही है, ढीली ढीली हो गई थी यहाँ। क्या हुआ? बस अभी छो ले, अभी फीडल पिलाएंगे। फीडल कहाँ गई? अभी ये क्या आ गया, क्या बोलते हैं ये तो पाउडर है। हाँ, ये पाउडर है। अच्छा, अभी क्या कर लेंगे? अभी छोना है, फीडल पियेंगे, छो जाएंगे, ठीक है? हाँ तो छोड़ते हैं उसको, तो अल्लाह हाफिज़ तो बोलने दो, तुम बोल दो अल्लाह हाफिज़। चलो भाई, अल्लाह हाफिज़, टाटा 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 कर रही है। कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके, टाटा बाय बाय, शब्बा के अल्लाह हाफिज़, आओ जो हम खेलेंगे थोड़ी देर मुन्नी के साथ, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।